बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। उरी सेक्टर में सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया है और घुसपैठ की कोशिश के दौरान एक दूसरा आतंकी पकड़ा गया। इस ऑपरेशन के दौरान सेना के 4 जवान भी घायल हुए हैं। उरी सेक्टर की घटना, जम्मू कश्मीर के उरी की घटना, बड़ी घुसपैठ की कोशिश यहां पर की जा रही थी, इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। उरी सेक्टर में सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। घुसपैठ की कोशिश के दौरान एक आतंकी पकड़ा भी गया है, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान सेना के 4 जवान भी घायल हुए हैं। घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। उरी सेक्टर से जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। उरी में सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया है, एक आतंकी पकड़ा गया है और सेना के 4 जवान इसमें घायल हुए हैं। ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई जम्मू कश्मीर में। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बार कहा जा चुका है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में अमन है, शांति है, इसीलिए आतंकी बौखलाए हुए, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कश्मीर की अमन शांति को भंग करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढा जा रहा है। और इसी कड़ी में घुसपैठ की यह कोशिश, लेकिन घुसपैठ की इस बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। आई एम हेयर टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ अ मिलिट्री ऑपरेशन दैट वॉज कैरिड आउट ओवर अ पीरियड ऑफ 9 डेज अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन उड़ी एरिया। There have been a lot of speculation in the media about this operation. I'll now put the things in correct perspective. Now, it started on 18th of September. This operation started 18th September night. That is when our patrol along the line of control detected an infiltration movement on the LC. This resulted in a firefight. When all the factors were examined, we realized that the infiltration group was of a strength of 6 personnel. And when the encounter took place, 2 of these infiltrators had come across the fence while 4 were on the other side of the fence. After the firefight, these 4 terrorists who were on the Pakistani side of the fence, they took advantage of dense foliage and darkness and retreated towards the Pakistani side. These 2 terrorists who were in the process of crossing the fence, they sneaked onto the Indian side of the fence. Once we realized all this, the additional forces were mobilized to cordon these 2 terrorists who had infiltrated into the own side. Because this area also has a lot of civilian population, we had to exercise due discretion to avoid any collateral damage. Now, all this happened on night of 18th. Thereafter, once the cordon was established by additional troops, these terrorists tried to sneak out on a number of occasions, and there were fire exchanges in the intervening period. And finally, our troops homed on to these 2 terrorists who were holed up in a nala on the evening of 25th September. मेरे सहयोगी खालिद और जानकारी के साथ है। खालिद, उरी सेक्टर से बड़ी घुसपैठ की कोशिश नाकाम, और क्या जानकारी है? 2016 को देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ जनरल ऑफिसर इन कमांड जो 19 ड्यू है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश जो है उसको नाकाम बना दिया गया है। दरअसल 18 और 19 सितंबर की रात को जो घुसपैठ की कोशिश हुई थी, उसके बाद से ये ऑपरेशन चल रहा था। 10 दिन लगे इस ऑपरेशन में। इसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है और साथ ही साथ एक पाकिस्तानी नेशनल मिलिटेंट जो लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है, सेना के मुताबिक उसको अरेस्ट कर लिया गया। और इसमें आप देख सकते हैं भारी सामान का जखीरा जो है बरामद किया गया है। इसमें जो हमें डिटेल्स मिली हैं कि 7 AK-47 इन दोनों ऑपरेशंस में बरामद की गई हैं। इसके अलावा 9 पिस्टल्स बरामद हुए हैं, 80 से ज़्यादा ग्रेनेड्स हैं जो बरामद किए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर ब्लड से काफ़ी मात्रा में जो ब्लड से वो बरामद हुए हैं, पाउच बरामद हुए हैं, कुछ सेल्स हैं,
खाने पीने का पदार्थ है और करेंसी इंडियन और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। जो इसमें डिटेल्स हमसे शेयर की गई है पाकिस्तान की जीओसी की तरफ से, उनके मुताबिक ये ग्रुप जो था 6 लोगों का ग्रुप था, जब ये इनको सस्पिशियस मूवमेंट जो 18 और 19 तारीख को देखी गई सितंबर को, तब जब उनको चैलेंज किया गया तो 4 जो मिलिटेंट थे वो वापस भाग गए उस तरफ, लेकिन 2 जो है स्नीक इन कर गए और उन 2 की तलाश पिछले 10 दिनों से चल रही थी। और यही गलवान नाला, जहां से मैं आपको बता दूं जो उड़ी अटैक जो हुआ था यहां पे, वहां से वो मिलिटेंट आए थे, उसी तरफ से ये आए थे और उनको जो वहां चैलेंज किया गया उस नाले में उनको पकड़ लिया गया। वहाँ एक मिलिटेंट को जो है न्यूट्रलाइज किया गया और एक सेना के मुताबिक उसने सरेंडर वहाँ पे कर दिया और उसको जो है हिरासत में ले लिया गया है। और उसने अपनी आइडेंटिटी जो बताई है कि अली बाबर पात्रा नाम उसने बताया है और पाकिस्तान के ओखरा पंजाब का वो रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं उसके पास से काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है उनको मिली हैं। अभी उसको हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। उसके मुताबिक उसको बताया था कि वो यहाँ पर सप्लाई देने आया है पट्टन इलाके में, लेकिन सेना को शक है कि वो कोई अटैक यहाँ पे करने आया था, इसलिए वो जो है स्नीक इन कर गया था। और ये भी बताया गया कि उसको वहाँ पे जो पाकिस्तान में सेना के मुताबिक लॉन्च पैड्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर ट्रेन किया गया था और उसके बाद उसको घर भेजा गया था, लेकिन एक दिन बाद ही उसको एक स्पेशल टास्क के लिए यहाँ भेजा गया। और फिर 18 और 19 सितंबर की रात को उसने यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश की और तब से ही ये ऑपरेशन जो है चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 दिनों से अगर हम बात करें तो उड़ी सेक्टर में काफ़ी गहमागहमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो हथलंगा इलाका है वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, वहाँ 3 मिलिटेंट्स जो है 23 और 24 तारीख की मध्य रात में मारे गए, 2 वहाँ वापस चले गए पीओके। और उसके बाद जो है ये जो 18 और 19 सितंबर का ऑपरेशन था वो चल रहा था और 10 दिन बाद ये कंक्लूड किया गया है। और इसमें जो सफलता सेना को मिली है, सेना का जो दावा है वो ये है कि एक मिलिटेंट को उन्होंने वहाँ पे मार गिराया है और एक इन्फिल्ट्रेटर जो है उसको उससे सरेंडर किया है, उसको अप्रेहेंड किया गया है और उनके पास से बहुत ज़्यादा हथियार और गोला बारूद जो है बरामद किया गया यही है। यही खालिद हम तस्वीर देख रहे हैं और ये तस्वीर देखकर हैरानी होती है कि इतनी बड़ी मात्रा में गोला बारूद मिला है, प्लानिंग क्या थी? देखिए, जिस तरह से सेना के कमांडर ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना है कि जो इस इंट्रोगेशन में बोला है जो सरेंडर मिलिटेंट है जिसको अप्रेहेंड किया गया है, उसने कहा है कि वो यहाँ पे पटन में सप्लाई देने आया था आर्म्स एंड एमिनेशन की, लेकिन सेना को डाउट है, जैसा कमांडर ने कहा कि हमको डाउट है कि वो किसी एक्शन को करने यहाँ पे आया था, किसी अटैक के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि उनकी इन्फिल्ट्रेशन भी उसी इलाके से हुई थी जहाँ से उड़ी अटैक जो 2016 में हुआ था उसी इलाके से हुई थी। बड़ी सफलता है, यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया, एक आतंकी को ढेर किया गया, दूसरा आतंकी पकड़ा गया, लेकिन इनके पास से जितनी बड़ी मात्रा में गोला बारूद मिले हैं वो बताते हैं कि प्लानिंग कितनी खतरनाक थी। एग्जैक्टली, बट यू कांट। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।